अब नीचे बनी बारंबारता सारणी को देखिए। इसमें व्यक्तियों के एक समूह की ऊंचाइयों को समावेशी वर्ग में लिखा गया है। अब निम्न प्रश्नों पर साथियों से चर्चा कीजिए। पहला, इस बारंबारता सारणी में कितने वर्ग हैं? दूसरा, 180 किस वर्ग की उच्च सीमा है? तीसरा, वर्ग 151, 160 की निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या है? चौथा, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? पांचवा, पहले वर्ग की बारंबारता क्या है? छठवा, 171 से 180 वर्ग की बारंबारता 10 है, इस कथन का क्या अर्थ है? सातवां, क्या ये वर्ग समावेशी हैं? कारण सहित उत्तर दें। ऐसी सारणी से आंकड़े सरल एवं संक्षिप्त रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हम एक ही नज़र में आंकड़ों के मुख्य लक्षणों को देख लेते हैं। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। अपवर्जी वर्ग एक्सक्लूसिव क्लास। ऊपर दी गई सारणी 5 में आपने देखा कि 141 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 9 है और 151 से 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 11 है। यदि इन समूहों में किसी व्यक्ति की ऊंचाई 150 से 151 सेंटीमीटर के बीच यानी 150.5 सेंटीमीटर हो तो आप इसे किस वर्ग में रखते? ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 160.4 या 160.6 सेंटीमीटर हो तो आप इसे किस वर्ग में रखते? इसके लिए हमें अपने वर्ग बनाने के तरीके पर फिर से सोचना होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एक वर्ग की उच्च सीमा हो वही अगले वर्ग की निम्न सीमा भी हो, बीच में कोई अंतर न छूटे? जैसे उदाहरण 2, कक्षा 9 के बच्चों का वजन नापा गया। प्राप्त आंकड़ों की बारंबारता सारणी इस प्रकार से बनी। उदाहरण 3, किसी गांव के सभी परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है। वर्ग के ये उदाहरण अपवर्जी या असमावेशी वर्ग एक्सक्लूसिव क्लास कहलाते हैं। यहाँ एक समस्या आती है। उदाहरण 2 में यदि किसी परिवार की आय 2000 रुपये है तो उसे किस वर्ग में रखेंगे, दूसरे या तीसरे वर्ग में? ऐसे ही उदाहरण 1 में यदि किसी बच्चे का वजन ठीक 39 किलोग्राम है तो उसे किस वर्ग में रखेंगे? ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता है कि यदि कोई मान किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर है तो उसे अगले वर्ग में रखा जाएगा। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस परिवार की आय 2000 रुपये है वह वर्ग 3, 2000 से 3000 में रखा जाएगा। 39 किलोग्राम वाले बच्चों की गिनती वर्ग 4 यानी कि 39 से 42 के बीच में की जाएगी। समावेशी वर्गों को अपवर्जी वर्गों में बदलना। जब समावेशी वर्ग को अपवर्जी वर्ग में बदला जाता है तब समावेशी वर्ग के एक वर्ग की उच्च सीमा और उससे ठीक अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर के आधे को सभी वर्गों की निम्न सीमा से घटाते हैं तथा उच्च सीमा में जोड़ते हैं। जैसे कि निम्न उदाहरण में पहले वर्ग की उच्च सीमा 10 तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 11 के बीच का अंतर 1 है। इसके आधे यानी 0.5 को सभी वर्ग की निम्न सीमा से घटाया गया और सभी वर्ग की उच्च सीमा से जोड़ा गया है। अर्थात पहले वर्ग की निम्न सीमा 5.5 तथा उच्च सीमा 10.5 हुई।
इसी प्रकार अंतिम वर्ग की निम्न सीमा 25.5 तथा उच्च सीमा 30.5 हुई। यहाँ वर्ग अंतराल 5 ही रहेगा। करके देखें। अब आप सारणी 5 के समावेशी वर्ग को अपवर्जी वर्ग में बदलिए और 150.5 सेंटीमीटर 160.8 सेंटीमीटर लंबाई के दो लोगों को उपयुक्त वर्ग में जोड़िए।